किसी बाजार में भाखड़ी भी नहीं मिले भी है, आखड़ी और सभी के नीचे नाला लगा हुआ है, सभी ताजे बच्चे हैं, ताजी भी एक एक दो दो दिन के बच्चे और जंगल भी मारवाड़ का अच्छा है। जंगल की भैंसे भी है। इनके बाजार से यहाँ कितने में कम में मिली इनको ये पूछोगे? 80-70-80 से कम में नहीं है। 60,000 की तो मान के चलो भैया जी, 60-65 की तो मिलती हूँ जी, और यहाँ पे 42-42,000 के हिसाब से जोड़ 45। आज दिनांक 4 अगस्त के दिन आप देख रहे हैं धुंधड़ का पशु मंडी। दोस्तों अभी समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं अभी गाड़ियां पहुंच रही हैं यहाँ पशुओं की और अनलोडिंग भी हो रही है। आज की जो वीडियो है दो पार्ट में आएगी, एक तो आप अभी देख रहे हैं और बाकी एक आपको मिलेगी करीब 2-3 बजे के आसपास में, जो उसका धुंधड़ का पशु मंडी का सेकेंड पार्ट होगा। दोस्तों आप सभी दोस्तों को मित्रता दिवस की आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज हरियाली जो अमावस्या है वो भी है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हम हमारे यहाँ की क्षेत्र है यहाँ पर हम आज दिवासा बोलते हैं, तो उसकी आपको बहुत सारी बधाइयां। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो देख लीजिए आप जो धुंधड़ का पशु मंडी से दोनों जो नासिर भाई की आप भैंसे देख रहे हैं इनका अभी सौदा लगा है। दिखाते हैं हम आपको आगे कि क्या होता है, कीमत क्या लगाई जाती है इनकी और कहां तक सौदा होता है, फाइनल होती है नहीं होती है, जो भी होगी। एक ये वाली भैंस जो काफी आकर्षित कर रही है, बहुत बड़ी भैंस है, धुंधड़ का पशु मंडी में हाइट वगैरह बहुत शानदार है, तो देख लीजिए एक बार। काफी बड़ी हाइट की भैंस है जो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये तीनों भैंस देख सकते हैं, बीच वाली की जो कदकाठी है काफी बड़ी हाइट है, बॉडी स्ट्रक्चर काफी शानदार लगा है। एक बार अडर क्वालिटी तीनों की आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे से। देखिए तीनों का चारों जो भैंसे हैं लगी है लाइन से, काफी अच्छा नजारा लग रहा है देखने में भी, और इनके भी अभी ग्राहक लग रहे हैं, तो जो बारी बारी से हैं चारों भैंसे की जानकारी अब तक पहुंचाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। कहाँ से आए हो? इंदौर से। पशु खरीदने आए हो जी? 130,000 के भाव में मांग रहे, कम मांग रहे हो? 1,00,000 की भैंस भाकड़ी बेच दूं उसको, मैं दूध खा के बेच दूं भाकड़ी में 1,00,000 की। 80 रुपया जो बड़ी वाली भैंस है उसकी क्या डिमांड कर रहे हो आप? 75 डिमांड कर रही है जी, 1,00,075 1,45,000 40,000 लगा दिए, 1,40,000 आपने लगा दिया। आप कहाँ से आए हो? जावरा से। जावरा से जी, डबल चौकी जी। इस वाली भैंस की हम बात कर रहे थे जो 1,40,000 इसके लग चुके हैं, 1,55,000 नासिर भाई ने फाइनल कीमत बताई है इसकी। दोस्तों दूध की करीब हम बात करें निकाल सकती है 7-8 किलो के आसपास टाइम का। नासिर भाई बीच वाली ये वाली इस पहाड़ी के फाइनल के दिया मैंने 1,75,000 रुपया मांग रहा हूँ, 55 के रेस के जी, 1,45 की दे दूंगा जाओ, 1,45,000 रुपए की दे दूंगा जाओ जी भैया। दो दांत है अभी तो उम्र में, दो दांत पाड़ी है जी। ये दूध कितना निकाल सकती है अनुमान? 7 किलो दूध दे रही है, 8 किलो दूध है पहाड़ी के नीचे, इसके और इसके नीचे 8 किलो दूध है, इसके नीचे 9 किलो दूध है, ये वाली के नीचे 8 किलो दूध है जी। ठीक है नासिर भैया धन्यवाद। तो देखिए आपने दोस्तों काफी जो शानदार बड़ी बड़ी भैंसे है वो आपको बताई अभी जो यहाँ की पशु मंडी है धुंधड़ का की। बाकी बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों एक इस वाली भैंस को देख सकते हैं आप, देख लीजिए अडर क्वालिटी, आप देखने में ठीक ठाक है, मीडियम कदकाठी में। कहाँ की है भैंस भैया? मारवाड़ी। आप प्रॉपर वहीं के हो? हम दलोदा रहते हैं। अच्छा दलोदा के वहाँ, और देखते हैं कीमत के बारे में हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो बाबू जी क्या लगा रहे हो कीमत इसकी? 85,000 देख जी, 5.5 किलो के आसपास दोस्तों दूध बताया गया है और कीमत रखी गई है इसकी, डिमांड बताया आपको तो 85,000 के आसपास में बताई जा रही है, देख लीजिए आप। इसकी बात करें तो सर दूसरे ब्यांत के आसपास की लग रही है हमें, दूसरे ब्यांत में, और यही कुछ सौदा होता है तो करीब 10-15 हजार के आसपास कम हो जाएंगे इसके, 15 तो नहीं हो पाएंगे, 10 के आसपास की है क्षमता इसकी। काफी बढ़िया जो पशु मंडी है यहाँ पर भैंसे पहुँचती है, जो एक सचिन भाई है किसी भैंस का सौदा करवा रहे हैं, तो जानते हैं इनसे चर्चा करते हैं हम।
क्या हाल चाल है सजिन भैया? बढ़िया है। अभी कहाँ अभी पहुँचे हो मंडी में कि कब क्या है? चार भैंसे दिला दी, चलो आओ। चार भैंसे दिला दी अभी तक? चार भैंसे दिलाई जी। तो कहाँ पे है भैया भैंसे? भैया को दिलाई चारों भैंसे। कहाँ से आए हो भैया? किसने खरीदी भैंसे? देपालपुर से आए हो। क्या नाम है? किस किस कीमत में खरीदी भैया? साढ़े बासठ हजार में। छियालीस हजार में एक और साढ़े बासठ और एक साढ़े पचपन हजार की चार भैंसे खरीदी। अच्छा, सचिन भैया के माध्यम से। कैसे क्या है भैंसे? अच्छा, कब के पहुँचे थे आप मंडी में? सुबह आ गए थे। जी भैया, ठीक है। कहाँ पर है भैंसे अभी? बांधी। ठीक है, आगे बताएंगे। तो सचिन भैया, जो एक चुम्बालीस साढ़े चुम्बालीस हजार में भैंसे बाकड़ी है? तानी भैंसे। अच्छा, कितने देसी नस्ल में होगी? हाँ। अच्छा, कितने दूध की होगी? पाँच किलो टाइम का दूध निकलता है। चार पाँच किलो। ठीक है भैया, देख सकते हैं जो अभी आपको पांच भैंस यहाँ पर जो भी दिख रही है सचिन भाई ने दिलाई है। इनकी आपको पूरी जानकारी देते हैं। जो कहाँ से आए हो अभी आप? देपालपुर चांदेर। चांदेर से पहुंचे हैं, देपालपुर के पास से। तो ये वाली जो भैंस है ये कितने में खरीदी आपने भैया? पूरा लाट है जो पांचों भैंसों का देख रहे हैं दोस्तों। सचिन भैया, कितने में हुआ सभी भैंसों का सौदा? दो लाख बीस हजार में पांच भैंसे। पांचों भैंसे दो लाख बीस हजार में ताजी भैंसे। ताजी। हाँ। जी भैया। तो भैया ये किस बजट की है? जोड़ लो भैया, दो लाख बीस हजार के हिसाब से जोड़ लो कितने बजट की पड़ी होगी एक एक भैंस। भैया इनका दूध कितना होगा? लीटर टाइम का देगी भैया जी। भैंसों का जंगल कहाँ का है जो अभी जो आपने पास से? सब नागौर, सभी नागौर की भैंसे, सब अच्छी खाने वाले जंगल की भैंसे। और कितने दिनों के हैं बच्चा बच्ची सभी? सब के ताजे भैया, सबके नीचे बछड़ी है। सभी के नीचे बच्चिया है? दो के नीचे बच्चे और दो तीन के नीचे बच्ची है। जी, एक ये वाली भी भैंस देख सकते हैं जो हम आपको आगे वीडियो में पांच भैंस अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। दो लाख बीस हजार में सभी भैंसों का सौदा हुआ है। देख लीजिए दोस्तों ऑर्डर क्वालिटी आप पशु की। जो मंडी है वहां से खरीद कर अभी यहाँ पर लाई गई है भैंसे। तो भैया अभी निकल रही है भैंसे। हाँ जी, भैया आपका क्या नाम है? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, चांदेर से आए हो? दोस्तों जो धुंधड़का का बाजार है काफी फेमस बाजार है तानी भैंस को लेकर। और मारवाड़ जो अभी बरसात का टाइम चल रहा है और इसमें काफ़ी भैंसे यहाँ पर मंडियों में मेला मंडी में देखने को मिलती है। भारी भीड़ होती है। ये वाला बच्चा है इसका, पाड़ी है नीचे देख सकते हैं, नाला लगा है। सबके नीचे नाला लगा भैया? सभी के नीचे। हाँ। जी, और एक ये देख सकते हैं आप देसी नस्ल में है। भैया ये किस बजट की है? दो लाख बीस हजार के हिसाब से ली तो देख लो हिसाब से पड़ गई है। सभी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा अभी आपको 40 पहले तिरेली जिस हिसाब से जोड़ लो। जी, देख सकते हैं भैया इसका देसी का दूध कितना होगा? या देसी भी देगी 5 किलो टाइम का। 5 किलो ये 44 के हिसाब से पड़ गई इस टोटल का आंकड़ा लगाया तो। सभी में से 44 44 हजार के आसपास के बजट में पड़ी है। हाँ। दो लाख बीस हजार के हिसाब से हम जोड़े तो। हाँ, तो भैया रेट तो काफी शानदार दिखा आज हमें जो आपने भैंसे दिलाई। वास्तु में कोई मंडी लगी कि नहीं लगी इनको ये पूछो जी। तो हाँ। भैया आप पहली बार आए हो यहाँ पे धुंधड़का में? हाँ, पहली बार जी। तो कैसे क्या लगी आपको मंडी? अच्छी बढ़िया लगी। और कीमत कैसे क्या लगी? बढ़िया कीमत। और सचिन भाई ने भैंसे आपको जो दिलाई वो कैसे क्या है? रेट आपको सही लगा कि ज्यादा लगा कि कम लगा के? इनके बाजार से यहाँ कितने में कम में मिली इनको ये पूछो जी। आपका कौन सा बाजार है भैया लोकल? देपालपुर का। तो वहाँ पे ये भैंसे होती तो वहाँ पे किस कीमत में? वहाँ पे होती है 70-80 से कम में नहीं। 70-80 हजार के लगभग। 60 हजार की तो मान के चलो भैया जी। 60-65 की तो मिलती है जी। और यहाँ पे 40-42 हजार के हिसाब से जोड़ लो 45 हजार के आसपास में लगभग सभी का आंकड़ा बैठा है। नीचे भी हो सकता है। किसी बाजार में भाखड़ी भी नहीं मिले भैया। भाखड़ी और सभी के नीचे नाला लगा हुआ है। सभी ताजे बच्चे हैं जी। भी एक एक दो दो दिन
के बच्चे और जंगल भी मारवाड़ का है। अच्छा, जंगल की भैंस भी है जी। खून नहीं है जी, खिलाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। हाँ भैया, वो तो है कि घर पर अपन इनकी खान पान थोड़ी करेंगे तो शरीर भी काफी बढ़िया बन जाएगा जी। देखिए दोस्तों, इन भैंसों के बारे में और आप बताते हैं भैया, ये वाली क्या कीमत रखती है? 90,000 रुपए। अभी दूध कितना होगा इसका? अच्छा, कितना निकाल सकती है? 14 किलो। तो भैया गाड़ी लाए थे आज कहाँ से? कहाँ के आज? जंगल हरियाणा की। अच्छा, तो किस किस बजट की है अपने पास, कम में और ज्यादा में? एक 10 तक की भी है, पेटी की भी है, 80 की भी है, जी, 74 की भी है जी। ये सभी गाबन है? दो ब्याही है लास्ट वाली। ये वाली भैया 1,10,000। देख लीजिए दोस्तों, 1,10,000 इस वाली भैंस की जो है डिमांड रखी है। तो भैया है जो उज्जैन वाले देपालपुर मंडी में गाय लेकर पहुंचते हैं, आज भैंस लेकर आए हैं धुंधड़का के बाजार में। और ये वाली भैया चारों के एक ही 10। देख लीजिए दोस्तों, धुंधड़का पशु मंडी की हम बात करें तो प्रत्येक रविवार के दिन लगने वाला बाजार है, मंदसौर जिले में आता है। मंदसौर से करीब दूरी है इस बाजार की 18 से 20 किलोमीटर के आसपास में, दलोदा से करीब 2 किलोमीटर पड़ता है। और यदि आप यहां पर आना चाहे तो मध्य प्रदेश का काफी अच्छा फेमस बाजार है धुंधड़का भैंस के लिए, जो तानी भैंस है इसके लिए। भैया दोनों दूध के बारे में बताइए, दोनों का 7-7 किलो निकाल देगी जी। भैया फाइनल कहाँ तक छोड़ दोगे इनको? 90,000 में। ठीक है भैया जी, 10-10 कर दो, घुमा दे भैया। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, अभी समय की बात करें दोस्तों करीब 9 बजने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों की जो कमेंट आती है हमें कि भैया यहाँ का रास्ता बताएं, तो आप जो धुंधड़का आते हो दोस्तों, तो जो रतलाम है या मंदसौर है यहाँ से भी रेल पहुँचती है, रेलवे जंक्शन है, यहाँ से आ सकते हो, यहाँ से बस के माध्यम से पहुँच सकते हो, या दलोदा स्टेशन है यहाँ पर भी ट्रेन आती है, यहाँ पर भी आप 2 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है जो धुंधड़का मंडी है ये, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और कल घोंसला बाजार की जो वीडियो है वो भी सुबह थोड़ी जल्दी आ जाएगी करीब 10 बजे के आसपास में, तो देखना ना भूले आप। चारों जो भैंस देख रहे हैं आप गाबन भैंसे हैं भैया, इनकी इनकी कीमत क्या हो जाएगी? 1,10,000 इनके पेटी पेटी लगा लेंगे जी, 1-1 लाख के लगभग इनकी बताई गई है कीमत दोस्तों। और भी यदि सौदा होता है तो रेट कम होने की संभावना काफी बनती है पशु मंडी में, चाहे कोई भी मंडी हो। ठीक है भैया, धन्यवाद। एक इस वाली भैंस को भी देख लीजिए आप, थोड़ी दुबली पतली है, अटर क्वालिटी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों जो दुबली पतली भैंस होती है वो उसी रेट में जाती है, उनकी जो कीमत के बारे में हम चर्चा करें तो कीमतें हमें कम देखने को भी मिल जाती है। और जो पशु मंडी में कीमतें बताई जाती है वो एग्जिट फाइनल नहीं होती है, यदि सौदा होता है तो रेट थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। ये बच्चा है इसका, ताजी जनी है, बच्चा है, देख सकते हैं आप भैंस को। और दोस्तों अभी आज मित्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो कहां से देख रहे हैं, और उसके अलावा जो भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भैया क्या लगा रहे हो इसकी मांग? 1,10 कर रहे हैं जी, 1,10,000 दूध भैया 7 किलो। और आप खरीदार हो? देख रहे हैं अभी कीमत नहीं लगाई जी। ठीक है, तो 1,10,000 डिमांड बताइए, लेकिन जो सौदा होता है कीमतें होती है तो कम हो जाती है, वो तो सिर्फ एक डिमांड होती है उनकी। चलिए तो देख लीजिए, और जो काफी शानदार जो जानवर दिख रहे हैं आपको भैंसे, शानदार बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में। तो भैया कहाँ का है जंगल इनका? ये मारवाड़। अच्छा, दोनों तीनों भैंसे आपकी है? पूरी दावनी की 10 की भैंसे जी।
तो कीमत भैया इनकी दोनों की कीमत 2,35,000 रुपए कीमत है दोनों की, दोनों की 2,35,000। भैया ग्याबन है क्या? ग्याबन है। अच्छा कितना कितना समय है इनमें बाकी? अभी 4 दांत है जी, वो 6 दांत में। तो अभी कितना रोज लेगी ये? अभी 15 दिन कच्ची जी। इसकी पूंछ थोड़ी छोटी है ना बांडी में, बॉडी स्ट्रक्चर काफी शानदार है दोस्तों दोनों भैंसों का, और शायद तीसरे के आसपास की भैंसें हो सकती है। और कीमत वही, हम जो फाइनल वाली कीमत है वो एक जो जानकारी लेते हैं भैया से, 2,25,000 फाइनल, 2,25,000। आप कहाँ से हो भैया प्रॉपर? महितपुर जी। महितपुर में कहाँ से? महितपुर जेल रोड महादेव कॉलोनी जी। भैया तो कितने 9-10 पशु लाए थे आज? 10 में 10 ही दे सकती है जी। इसकी क्या हो जाएगी भैया कीमत जो 2 दांत बच्चिया बता रहे? 1,11,000। और दे कहाँ तक दोगे? कहाँ तक? 95,000। नाम आपका? शुभ जी। कोई तो ले जाए, कोई तो ले लो। देख जी क्या हाल चाल है मामा जी? बढ़िया है। लेने आए हो आज पशु नुंदड़ का? देख सकते हैं 95,000 बता रहे हैं कीमत इसकी डिमांड, बाकी जो भी बैठक में ऊपर नीचे हो रेट और हो सकते हैं। एक अनुमान होता है दोस्तों, जो डिमांड बताई जाती है पशु मंडियों में वो ज़्यादा बताई जाती है। और यदि आप भी पशु मंडियों में पशु खरीदने आते हो तो आप अपने अनुभव, आप अपने तजुर्बे से खरीदे। क्या हाल चाल है भैया? बहुत बढ़िया। कितने लाए आज आप? लेके आए 21-22। 21-22 तो वही मैं बता रहा था आपको, अपने अनुभव से खरीदे आप। हमारी वीडियो के माध्यम 2 दांत बच्ची है जी, हमारी वीडियो के माध्यम से किस कहाँ पे भी आपको नंबर मिले आप खरीदते हो जी। भैया 2 दांत है जी। भैया कहाँ तक हो जाएगी आपका अनुमान, क्या बोलता है इसका? ये 75,000 की दे देंगे। 75,000 फाइनल? 75,000 जी भैया। तो जी तो दोस्तों हमारी उसमें कोई भी जवाबदारी ना नहीं रहेगी, ना हमारी रहेगी ना हमारे YouTube चैनल की रहेगी। आप सस्ती खरीदते हो, महंगी भैंस खरीदते हो, हम सिर्फ आपको एक माध्यम है पशु के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर पशु उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर होते हैं। तो आप अपने अनुभव से किसी जानकार व्यक्ति को साथ में लेकर जाए यदि पशु की खरीदारी करते हैं तो। आप बिल्लाड़ा राजस्थान जोधपुर जी, तो पशु लाए हो बेचने के लिए? हाँ भैंस लाए हैं। आपकी है दामनी? हाँ ये मेरी है जी। तो भैया अपने पास में कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है वैसे, कम में कम कीमत में कहाँ से चालू हो जाती है? कम कीमत में लगभग 60,000 से चालू है। 60,000 भैया बता दीजिए मैं 60,000 वाली कौन सी है अनुमान ये वाली तो देख लीजिए। ताजी जनी है, बच्चा है जो 60,000 5 रोज हुए, 4 लीटर दूध क्या है, 4 किलो के आसपास में दूध बताया जा रहा है। और जो आप लोगों की डिमांड आती है कि हमें किसानों की जो एक कम कीमतों में हमें भैंस अवेलेबल होती है वो हमें बताए, तो देख लीजिए 60,000 भैया इसकी कीमत बता रहे हैं। बाकी यदि सौदा होता है तो रेट और भी कम देखने को मिल जाएंगे। पहले ब्यांत में जनी है, एक ये वाली भी देख सकते हैं आप, ये भी पहले की ही है जी, ये भी फर्स्ट बैच की है, दोनों तीनों पहले की है, फर्स्ट में, ये दूसरा तीसरा ब्यांत की है। ये लो इधर, ये दूसरे में, ये कितना दूध दे देगी भैया? 7 लीटर दूध दे देगी आराम से। 7 किलो बछड़ी है। तो भैया जंगल तो बहुत बढ़िया है आपका, मारवाड़ का जो भैंसे होती है वहाँ की काफी, जो दोस्तों दूध की हम बात करें तो 6 दांत में जी। और कीमत क्या लगा रहे हो भैया? 95,000। वहाँ की जो दोस्तों मारवाड़ की जो भैंसे होती हैं उन जो दूध होता है उनका दूध में काफी बढ़िया रहती है, और खाने पीने में भी जो हमारे जंगल में शूट हो जाती है वो देख लीजिए। 95,000 डिमांड रखी है। तो दोस्तों यही कुछ हम बात करें तो कीमत की इसकी, तो यही कुछ हमें 20,000 और माइनस करके देख लो, और उससे थोड़ा बहुत और कम भी हो सकते हैं, बढ़िया है भैंस। ठीक है भैया घुमा लो।
यही कुछ 75,000 70 के आसपास में इसी में समय पशु मंडी में मेला मंडी में देखने को मिल जाती है 70-75,000 की। महेंद्र भाई की भैंस है ना, ठीक है भैया। दोस्तों जो नड़का पशु मंडी है प्रत्येक संडे के दिन लगती है, काफी एमपी का फेमस बाजार है। क्या हाल चाल है भाऊ जी? भाई सब बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? भाई देवास के पास लोहारी। जी, नागौर का जंगल है भैंसों का। दोस्तों धुंधड़ का जो पशु मंडी है फेमस काफी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पशु पहुँचते हैं मारवाड़ के, काफी जानवर आते हैं यहाँ पर। ये दो दिन की ब्याई है, 2 दिन में 16 लीटर। जी, 2 दिन की ये ब्याई है और 16 किलो के आसपास में दोस्तों इसका दूध है दोनों टाइम का मिला के। और वो वाली भैया, वो भी एक हफ्ते की देर है घाबरने की, भैंस बहुत लगेगी नीचे से। जी, वो कितना निकाल सकती है भैया? इससे भारी रहेगी, कोई टाइम का 18 लीटर दूध देगी। जी, तो देखते हैं इन भैंसों का भी सौदा भी लगा है, बाकी कीमत क्या, फाइनल कीमत क्या होती है, जो डिमांड क्या रखते हैं, पूरी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। एक ये वाली है, इसकी भी काफी शानदार बड़ी बड़ी भैंस। और एक हफ्ता कम से कम रहेगी। जी, दोस्तों नागौर का ही है। जी, पैसे रोक दूंगा अगर 8 तक कम भेज देते तो। जी, वापस पैसे दे दो। जी, दोनों टाइम का 16 लीटर से बात दूध दे तो 10-20 हजार रुपए रोक दूंगा अगर मेरी भैंस फीकी पड़े। जी, तो मैं वापस पैसे दूंगा भेज लूंगा। जी भैया, तो दोस्तों जो भैया है बता रहे हैं कि जो हमारी भैंस 8-8 किलो जो बता रहे हैं, इससे यदि कम दूध दिया मैं पेमेंट रोक लूंगा, बाकी कम यदि दूध निकाला तो पेमेंट नहीं लूंगा, गारंटी ले रहे हैं। अभी एक हफ्ते की देर है। जी, तो भैया इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? ये वाली अभी हमने देखी 1,45,000 और में 4 बच्ची। जी, एक ये देख सकते हैं 4 दांत बच्ची है। इसकी भाई साहब ये मेरी भाई यार, भाई साहब इसके ऐसे कह रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, आने वाला तो देख लीजिए जो कीमतें हैं वो एक अनुमान है जो हम आपको बता रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इसका काफी शानदार है, बॉडी स्ट्रक्चर 8 दिन की दे रहा हूँ, 8 दिन बाद भैंस क्या रंग बदलाई देखना होगा। थोड़ी आगे बता, देख सकते हैं आप आंचल इस वीडियो के माध्यम से। भैया इसकी क्या डिमांड है? इसकी भाई साहब 1,21,000। ये कितना दे सकती है दूध? ये 14 लीटर से भर देती है। जी, तो अभी तो कच्ची 8 दिन के, 8 दिन बाद भैंस से चलाएगी इतना दिन लेगी। जी, तो भैया ये फाइनल कहाँ तक छोड़ दोगे? ये भाई साहब ये समझ लो कि 1:10 की भैंस है। 1:10। और जो वो ये इसके पास में खड़ी है ये वाली भैया, ये 1:35। तो यही दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं 10-15-20 हजार बता रहे हैं भैया कम, जो चारों में से हमने आपको दिखाए यही बजट है। और यदि दोस्तों फाइनली सौदा होता है तो रेट इससे काफी कम हो जाएंगे। छह दांत में पूरी मंडी में एक जैसा माल भाई साहब, पूरी मंडी में घूमो, पूरी गाड़ी में एक दो भैंस अच्छी आती है, बाकी ये सारी एक से एक अच्छी, सभी एक से बढ़कर। ग्राहक आएगा तो ये लोग ग्राहक का दिमाग बिगाड़ रहे इसी में से सारी एक से एक। जी, तो भैया अपने मारवाड़ में कहाँ का है अपना माल? नागौर का। ठीक है, आज की वीडियो है इसको हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, वो पार्ट करीब आएगा 2-3 बजे के आसपास में। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एक बार और सभी आप मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली, आप सभी को मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जय श्री महाकाल।